हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस स्टूडेंट टुडे वी विल सी द हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर एटीन वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ओके स्टूडेंट सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी यू ई एस टी गेस्ट गेस्ट मतलब मेहमान या फिर अतिथि ड्रिंकिंग डी आर आई एन के आई एन जी ड्रिंकिंग मतलब पीना नेक्स्ट इज कंटामिनेटेड सी ओ एन टी ए एम आई एन ए टी ई डी कंटामिनेटेड मीन्स दूषित जो खराब होता है उसे कहते हैं कंटामिनेटेड नेक्स्ट इज़ सिक एस आई सी के सिक मतलब बीमार नेक्स्ट इज फाउंटेन एफ ओ यू एन टी ए आई एन फाउंटेन मीन फवार जो पानी का फवारा होता है उसे क्या कहते हैं फाउंटेन नेक्स्ट एस एच आर ई आई के शिर मतलब चीखना नेक्स्ट इज सरप्राइज एस यू आर पी आर आई एसई सरप्राइज सरप्राइज मतलब आश्चर्य नेक्स्ट इज क्राउड सी आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड मीन्स भीड़ नेक्स्ट क्लिंगिंग सी एल आई एन जी आई एन जी मतलब सख्त पकड़ना किसी को हम टाइटली पकड़ के रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं सख्त पकड़ना मीन्स क्लिंगिंग सी एल आई एन जी आई एन जी क्लिंगिंग नेक्स्ट इज मैटर एम ए डबल टी ई आर मैटर मतलब मामला नेक्स्ट इज स्प्रिंकलिंग एस पी आर आई एन के एल आई एन जी स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव करना हम पानी ऐसे स्प्रिंकल करते हैं मतलब क्या हुआ पानी का छिड़काव करना उसका क्या मतलब होता है स्प्रिंकलिंग नेक्स्ट क्वाइट क्यू यू आई ई टी क्वाइट मतलब शांत या फिर चुप नेक्स्ट इज़ शाउटेड एस एच ओ यू टी ई डी शाउटेड मतलब चिल्लाया नेक्स्ट इज गटर जी यू डबल टी ई आर गटर मीन्स नाली जो गंदा पानी बहने के लिए जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं गटर मतलब कि नाली नेक्स्ट इज डायरिया डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए डायरिया मतलब दस्त नेक्स्ट इज वॉमिटिंग वी ओ एम आई टी आई एन जी वामिटिंग मीन्स उल्टी नेक्स्ट इज क्यू क्यू यू ई यू ई क्यू मतलब कतार जो लाइन होती है उसे कहते हैं क्यू नेक्स्ट इज़ प्रीवियस पी आर ई वी आई ओ यू एस प्रीवियस मतलब पहले का नेक्स्ट इज़ सफर एस यू डबल एफ आर ई डी Suffered मतलब भुगतना सफड़ का क्या मतलब होता है भुगतना पड़ा नेक्स्ट इज डेंजरस डी ए एन जी ई आर ओ यू एस डेंजरस मतलब खतरनाक जो भयानक होता है खतरनाक होता है उसे कहते हैं डेंजरस नेक्स्ट इज I आई एम पी ओ आर टी एन टी इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण खास उसे कहते हैं इम्पोर्टेंट हैपन्स एच ए डबल पी ई एन एस मतलब होना नेक्स्ट इज कंटिन्यू सी ओ एन टी आई एन यू ई कंटिन्यू मतलब जारी रखें जो पार्ट पूरा नहीं हुआ है आगे जारी रखना है उसे कहते हैं कंटिन्यू नेसेसरी एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई नेसेसरी मतलब ज़रूरी जो चीज़ ज़रूरी होती है उसे कहते हैं नेसेसरी नेक्स्ट इज़ मेडिसिन एम ई डी आई सी आई एन ई मेडिसिन मतलब दवा नेक्स्ट इज़ एडवाइस ए डी वी आई सी ई एडवाइस मतलब सलाह नेक्स्ट इज़ अरेंजमेंट ए डबल आर ए एन जी ई एम ई एन टी अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था नेक्स्ट इज अफेक्टिंग ए डबल एफ ई सी टी आई एन जी अफेक्टिंग मतलब प्रभावित कर रहा है नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन इंफॉर्मेशन मतलब सूचना नेक्स्ट इज ब्रॉट बी आर ओ यू जी एच टी Brought मतलब लाया गया नेक्स्ट इज leaking, एल ई ए के आई एन जी Leaking मतलब टपकना तो आपने देखा होगा पानी का जो नल होता है तो वो लीक होता है तो क्या होता है टपकता है तो उसे कहते हैं leaking को टपकना नेक्स्ट इज ड्रिपिंग डी आर आई डबल पी आई एन जी ड्रिपिंग का मतलब भी क्या होता है टपकना होता है नेक्स्ट इज sufficient. एस यू डबल एफ आई सी आई ई एन टी सफिशियंट मतलब पर्याप्त जितना जरूरी है उसे क्या कहते हैं पर्याप्त मतलब कि सफिशियंट नेक्स्ट इज सर्वे एस यू आर वी ई वाई सर्वे मतलब सर्वेक्षण करना नेक्स्ट इज असेंबली ए डबल एस ई एम बी एल वाई असेंबली मतलब सभा नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट आर ई क्यू यू ई एस टी रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना किसी से हम विनंती करते हैं उसे कहते हैं रिक्वेस्ट नेक्स्ट इज ड्रॉप डी आर ओ यू जी एच टी मतलब सूखा जब भी बारिश नहीं आती है और अकाल होता है तो उससे कहते हैं सूखा मीन्स ड्रॉप नेक्स्ट इज वेल्दी डबल्यू ई ए एल टी एच वाई वेल्दी वेल्दी मतलब धनी तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर एटीन वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस के सारे हार्डवर्ड्स फिनिश हो रहे हैं सो स्टूडेंट ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को ई की नोटबुक में फाइव टाइम्स लिखने हैं और उसे लर्न करने हैं ओके स्टूडेंट राइट दिस ऑल दी हार्ड वर्ड्स फाइव टाइम्स इन योर ई वी एस नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो बाय बाय स्टूडेंट थैंक यू